8 साल हो गए आपकी बीवी बने, आपने अपने दिल की बातें कभी भी मुझसे शेयर नहीं की। आपके दिल की बातें जानने की मेरी कोशिशें तो जारी ही रहेंगी ना। ये जो आपके दोस्त है नीलेश शंकर, वो हमसे मिलने क्यों नहीं आते? इट्स एन इमरजेंसी, हम सर्जरी पोस्टपोन नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर पाठक की जगह आप नंदिनी, नंदिनी, यस, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन डॉक्टर सिन्हा आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। आई एम नॉट द वन। एनीवे, इट हैपेंस, लोगों को पहचानने में गलती हो जाती है कभी कभी। आप यहाँ हैं? मैं आपको आपके कैबिन में ढूंढ रही थी। क्या हुआ आपको? आप किसी को सी ऑफ करने आए थे? मैं वो विजय, अब मैं क्या करने आया था भूल गया शायद। अचानक इन्हें क्या हो गया? पास आए दूरियां फिर भी कम न हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जमिले इश्क सच्चा वही, जिसको मिलती नहीं मंजिले। रंग थे नूर था जब करी जन्नत सता ये जहां, मौत की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहां। हमारी अधूरी कहानी, हमारी
बहुत मजा आया। मुझे भी। नानी एक मिनट। मुझे मालूम है आपको क्या चाहिए। आपकी जलपरी का खाना है ना? सब एक साथ मत खिला देना उसे। क्यों? उसका पेट खराब हो जाएगा ना। जलपरी जल्दी जल्दी खा लूं। नानी आ जाएगी, देखेगी तो बोलेगी इतना सारा खाना मत दो उसको। अरे 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 अरे, ये क्या 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 ढूंढ रही हो? चॉकलेट। चॉकलेट वहां नहीं है, चॉकलेट मेरे पास है। तो दीजिए ना। एक सेकंड, ये लीजिए आपका चॉकलेट। आपकी मम्मा ने कहा है नीति को सिर्फ एक ही चॉकलेट देना। आप भी मम्मी से डरती है? बहुत। मैं मम्मी को कभी नहीं बताऊंगी। और एक चॉकलेट प्लीज। अरे मैं लाई नहीं हूँ तो कहाँ से दूंगी आपको? आप मेरे लिए छुपके से और एक चॉकलेट लाई है ना? बहुत शैतान हो, शैतान की खाला हो तुम। यू मीन डेविल आंटी? मगर पापा तो कहते हैं कि मैं बहुत स्वीट बच्ची हूँ। आप है ना, एक दिन अपनी मम्मी से बहुत डांट खिलवाओगे मुझे। नानी ये मेरा और आपका सीक्रेट है, कभी मम्मी को पता ही नहीं चलेगा। आप भी खाइए ना एक चॉकलेट। लाओ। निकालिए निकालिए। बाप रे। ये लो निकालो बस। अभी सच बताइए, आप कितने चॉकलेट लाई है? चार। रोज के लिए एक। नानी इधर आइए। यू आर सो स्वीट। सो आर यू। नानी आपसे एक बात पूछूं? पूछो बेटे। मेरी स्कूल में एक फ्रेंड है, उनके दादा और दादी उनके साथ रहते हैं, पर आप तो मेरी नानी है, फिर आप मेरे साथ क्यों रहती है? वो इसलिए क्योंकि आप मेरी लाडली हैं और मैं आपके बगैर रह नहीं सकती। मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती। अभी आप मुझे प्रॉमिस कीजिए, आप रोज रोज मुझे एक नहीं बल्कि दो दो चॉकलेट्स देंगी। एकदम बदमाश बच्ची है नानी। एकदम बदमाश यानी क्या? एकदम बदमाश यानी क्या? हाँ, जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, उन्हें एकदम बदमाश कहते हैं। इसलिए तो मैं एकदम बदमाश। बिल्कुल, absolutely right. नंदनी, आई लव यू नंदनी, आई लव यू नंदनी। ओए नंदनी, इस तरफ जल्दी। क्षेत्र, ये देखो। क्या कर रहे हो? हो क्या गया तुम्हें? अरे मैं ऐलान कर रहा हूँ, पूरी दुनिया को बता दूंगा आज मैं नंदनी की, आई लव माय नंदनी। शांत हो जाओ, वार्डन ने सुन लिया तो शामत आ जाएगी। क्यों? मुझे हॉस्टल से निकाल देंगे वो। अरे निकालना है तो निकाल दे, क्या फर्क पड़ता, हु केयर्स, बिकॉज आई लव माय नंदनी। ये देखो, हु केयर्स। अच्छा, हॉस्टल से निकाल दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? इधर, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो मेरे दिल में रहती हो, मेरे दिल में, इधर रहो आराम से। वाह, ऐसी कितनी जगह है तुम्हारे दिल में? जगह नहीं तो बन जाएगी, जगह बनने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता, बस एक बार कहे के तो देखो। ओह,
मतलब जगह बनानी पड़ेगी। कितनी लड़कियां रहती है इस दिल में? पूरी एक कसम से, सिर्फ तुम और कोई नहीं। एक मिनट पकड़ो। दरअसल बात यह है नंदनी कि ला 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 हे 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 ला 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 वैसे अगर अभी आपकी वार्डन ने आपको देख लिया ये करते हुए तो अरे देख रहे दो, डरता कौन है? Who cares? जब तुम मेरे साथ हो डर किस बात का? हाय। सिर्फ हाय? अरे लवर बॉय ना सही, कम से कम हाय इरफान ही बोल देती। क्या हुआ, तुमने जवाब नहीं दिया? कुछ पूछा क्या तुमने? हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि एनीवेज फॉरगेट इट। मैंने ये कहने के लिए कॉल किया कि मुझे पूना में 2-4 दिन और लग जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? कुछ हुआ क्या? क्यों पूछ रहे हो, कुछ होने वाला था क्या? यार ये जो तुम्हारी आदत है ना कि सवाल का जवाब ना देना और उल्टा सवाल पूछ लेना, तुम अभी कहाँ हो? घर पे हो या कहीं बाहर? घर में हो। तुम दवाइयां ले रही हो ना? नंदिनी, हेलो। तुम सुन रही हो? तुमने पिल्स ली या नहीं? हाँ हाँ, ले ली मैंने पिल्स। तुम ठीक तो हो ना? आई ओके? दवाई लेना भूल गई थी मैं। थैंक्स, तुमने याद दिलाया। बाय। अरे अजनबियों की तरह मुलाकात होगी तुमसे, कभी नहीं सोचा था मैंने। तब क्या करोगे? 2 साल मतलब? एक्चुअली अक्षय, एक गुड न्यूज है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए तब बताऊंगी। मतलब तुम मुझे खुशखबरी दोगी और मैं और गुस्सा हो जाऊंगा? हाँ, मतलब हो भी सकते हो या नहीं भी हो सकते। I mean... नंदनी प्लीज, ये पहेलियां मत बुझाओ यार। बताओ क्या है, क्या बात है, बोलो। ओके। अक्षय, मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप मिल रही है। ये तो वाकई खुशखबरी है यार, दैट्स ग्रेट न्यूज। पर तुम ये खबर मुझे बताओ कि तुम्हें गुस्सा क्यों हूँगा, नाराज क्यों हूँगा मैं? शिकागो यूनिवर्सिटी, 2 साल के लिए। शिकागो यूनिवर्सिटी? मतलब तुम जा रही हो?
हाँ ऑफ कोर्स, इतनी अच्छी ऑफर है, कोई मना कैसे कर सकता है? और अक्षय, दो ही साल की तो बात है, टाइम यूं गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मैं तुमसे दो पल दूर नहीं रह सकता नंदिनी, तुम दो साल की बात कर रही हो। तुमने देखा तुम्हारे बगैर आधे घंटे में मेरी क्या हालत हुई? एक एक पल मुझे एक एक साल के बराबर लगता है नंदिनी, तुम कह रही हो दो साल यूं। नंदिनी तुम वाकई जा रही हो? तुमने ठान लिया तो मैं तुम्हें कुछ देर बहुत हो चुकी है, अब मैं तुम्हें पोस्टर छोड़ दूँ। नाराज हो गए? एक्चुअली वो खुशखबरी सुन के थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को भी भूल गई थी। खुशी बस इसी बात की थी कि मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है। तुम्हें नाराज करके तो मैं इस दुनिया से भी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी मैं तुमसे दूर। आप रुकने वाले हैं या चलें घर? इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ है, 7:30 बज रहे हैं। बाहर देखिए कितना अंधेरा हो गया। हाँ वाकई बहुत अंधेरा हो गया है, चल चलते हैं। डॉक्टर सिन्हा, आई थिंक यू आर मिस्टेकन, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप मुझे कोई और समझ रहे हैं, आई एम नॉट द वन। एनीवे इट हैपेंस, लोगों को पहचानने में गलती हो जाती है। क्या बात है अक्षय, आज आप कुछ बोल ही नहीं रहे, कोई बात ही नहीं कर रहे। नहीं नहीं विजया, मैं बोल तो रहा हूँ। कहाँ बात कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल चुपचाप ही हैं। जब एक बोलता है तो एक आदमी सुनने के लिए भी तो चाहिए ना। बस आई वॉज लिसनिंग। यू नो अक्षय, आज एक बहुत बड़ा इत्तेफाक हुआ। मैं भी नहीं सोच सकता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। क्या सोच रहे थे? किस बारे में बात कर रही हो? वही तो मैं पूछ रही हूँ, ऐसा क्या सोचा था आपने कि आपके साथ नहीं होगा? वो मैं आई एम सॉरी विजय, मैं खुद नहीं जानता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इट्स ओके, मैं मिसेस पाठक की बात कर रही थी। कैसे मिसेस पाठक ने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया, लेकिन इत्तेफाक देखिए आज ही मैंने उसे बुलाया था। और जब जेनिफर ने मुझे आकर बताया तो नंदिनी बिल्कुल मेरे सामने ही बैठी थी। क्या हुआ अक्षय, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? वो आई एम सॉरी, वो सॉरी। कोई बात नहीं। कहां पर थी मैं? हाँ सच में अक्षय, अगर आज नंदिनी नहीं आती ना तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। गॉड फॉरबिड, बट अगर आज ऑपरेशन में जरा सी भी देरी हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। अब आप वहां जाइए, वहां से मॉनिटर कीजिए प्लीज, एंड नेक्स्ट टाइम बी ऑन टाइम। पर वो
वहां आई कैसे? कैसे आई मतलब? मेरा पूछने का मतलब है, उसके बारे में रेकमेंड किसने किया? किसने बताया तुम्हें उसके बारे में? नहीं, रेकमेंड तो किसी ने भी नहीं किया था। तो फिर? दो दिन पहले उसका फोन आया था, कहने लगी मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ और अगर आपके नर्सिंग होम को मेरी ज़रूरत है तो क्या मैं वहाँ आ सकती हूँ? तो बस मैंने कहा मोस्ट वेलकम। क्या बात है अक्षय, आपको उससे कोई शिकायत है? पसंद नहीं आई आपको वो? मेरे दिल में ना तुम्हारे लिए प्यार है, पैशन है, शिद्दत है, इज्जत है,